संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जब आपने लखनऊ रेंज की आईजी से बातचीत की, फरार शब्द इस्तेमाल करने में इतना संकोच क्यों? जो आशीष मिश्रा अब से कुछ दिन पहले खुले तौर पर बयान दे रहा था, अब वो एब्सकॉन्डिंग है, वो फरार है, इसको कहने में क्यों परहेज कर रही है लखनऊ पुलिस? क्या मामला है ये? देखिए, आशीष मिश्रा को अगर अधिकृत तौर पर कहा जाए कि वो फरार हैं तो अभी फरार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फरार कोर्ट घोषित करेगी। और इसीलिए आईजी लक्ष्मी सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये हमको तलाश है उनकी, फरार की घोषित करने के लिए ही आशीष मिश्रा को जो नोटिस उनके घर पर चस्पा की गई है CRPC की 160 एक्ट के तहत, उसमें अब आशीष मिश्रा को आज लखीमपुर खीरी की क्राइम ब्रांच में 10 बजे करीब आना है। हम इस समय पर क्राइम ब्रांच के सामने ही खड़े हैं। यहाँ पर 10 बजे तक आशीष मिश्रा को अपना बयान दर्ज करना है, यानी कि तो संतोष हम ये माने अगर 10 बजे आशीष मिश्रा पेश नहीं होते हैं तब उन्हें फरार घोषित किया जाएगा इस नोटिस के आधार पर जो चस्पा किया गया है? देखिए, ये अभी लीगल कोर्स है, ये एक्शन है, लीगल प्रोसेस होगा, इसके बाद इनको दोबारा एक नोटिस दिया जाएगा, फिर इस बात की शिकायत कोर्ट में की जाएगी कि हमने आशीष मिश्रा को नोटिस दिया है उनको आने के लिए लेकिन ये आ नहीं रहे, तब कोर्ट उनको भगोड़ा घोषित करेगी। ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है जो कोर्ट के द्वारा जारी होगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अगर आशीष मिश्रा यहाँ पेश नहीं होते हैं लखीमपुर पुलिस के सामने या वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट अंतिम फैसला करके इनको भगोड़ा घोषित करेगी। जी साथ ही संतोष, आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जब भी आईजी से बात की जाती है, किसी पुलिस अधिकारी बड़े आला अफसर से बात की जाती है, बहुत सोच समझ कर सभी बयान दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि पुलिस को खुले तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोलना है, उससे परहेज करना है, क्या चल क्या रहा है? क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बयानों में पूरे मामले में एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी है। देखिए, ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मामला देश के गृह राज्य मंत्री आशीष अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का जुड़ा हुआ है। बाप समझिए कि सियासत कितनी तेज़ हो गई है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं, आज नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, मतलब रोज़ ना रोज़ राजनीतिक दलों के लोग वहाँ परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी या बीजेपी की सरकार ऐसा कोई बयान अधिकारियों के द्वारा नहीं लेना चाहती, देना चाहती, जिससे कि वो पॉलिटिकली कहीं फंस सकें। वहीं दूसरी तरफ ये चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, कानून की पेचीदगियों के साथ ये कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि इस मामले की लंबी लड़ाई कानून कोर्ट में लड़ी जाएगी, लिहाजा अधिकारी भी इस पूरे मामले को लेकर के जो दस्तावेज़ हैं उनको पुख्ता कर रहे हैं, जो लिखा पढ़ी जिसको कहते हैं वो पुख्ता की जा रही है, जो बयान है वो भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कल कहीं कोर्ट उनके किसी क्या सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर जो उस वक्त उस दिन वहां पर मौजूद थे 3 अक्टूबर को, ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कि आशीष मिश्रा गाड़ी के अंदर थे? देखिए, आशीष मिश्रा नामजद हैं इस पूरे मामले में, जो अभी तक जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में दो लोग, लवकुश और आशीष पांडे, ये दो ही लोग जिंदा हैं जिनसे कि लखीमपुर पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद हर व्यक्ति का रोल सामने आया है। इनसे पूछताछ के बाद ही आशीष पांडे को नोटिस दिया गया है, ये लीगल कोर्स में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अभी तक पुलिस की कार्यप्रणाली है कि आशीष मिश्रा अब खीरी पुलिस के रडार पर हैं। घटना के बाद से 2 दिन तक लगातार आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा बयान देते रहे कि वो तो घटनास्थल पर थे ही नहीं, घटनास्थल पर उनकी कोई मौजूदगी ही नहीं थी, वो तो अपने गाँव में दंगल करा रहे थे और जो लोग थे उनके कार्यकर्ता थे, तमाम सफाइयाँ दे रहे थे। लेकिन जब से लखीमपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है कोई बयान नहीं दे रहा है। आशीष मिश्रा गायब है, अजय मिश्रा मिल नहीं रहे हैं, अजय मिश्रा दिल्ली गए हुए थे, गृहमंत्री ने बुलाया था, उसके बाद से अजय मिश्रा लखीमपुर में भी अभी नहीं दिखाई पड़े हैं, आशीष मिश्रा का पता नहीं है, पुलिस को नोटिस चस्पा करना पड़ा। यानी कि इस भूमिका में जैसे ही आशीष मिश्रा की भूमिका सामने आई, वो दोनों ही पिता पुत्र